सुप्रभात। तो आप जान रहे हैं कि आज हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता रखे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है इंटरनेट वरदान या अभिशाप। जैसा कि पूर्व में आप लोगों ने बताया था कि इसमें हिस्सा कौन कौन लेंगे, तो मैं उनका नाम बता देता हूँ। जो विपक्ष में प्रतिभागी हैं इंटरनेट वरदान या अभिशाप विषय पर, उसमें पहला नाम है गौरव मंडल, दूसरा वीरेन मंडल, तीसरा गणेश कुमार, चौथा सूरज कुमार, पांचवा श्रीजल कुमार और छठा अरबाज अंसारी। इधर पक्ष में जो अपनी बात रखेंगे उसमें पहला नाम है विश्वनाथ सिंह, दूसरा नाम है सोमनाथ मंडल और तीसरा नाम है राहुल कुमार और चौथा नाम मनोज मुर्मू है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से आपको समय देंगे अपनी बात रखने के लिए, यह साबित करने के लिए कि इंटरनेट वरदान है या अभिशाप। तो वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले जो पक्ष में बोलने के लिए आ रहे हैं वो हैं सोमनाथ मंडल। एक बार तो सोमनाथ मंडल जी आप आइए और अपनी बात रखिए। मेरा नाम सोमनाथ मंडल है और मैं इंटरनेट के पक्ष में कुछ खूबियों को बोलने आया हूँ। बोलिए। आज की दुनिया में इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यकता हो गई है। अगला प्रतिभागी का नाम है राहुल कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होगा। सुप्रभातम सर, सुप्रभातम मित्रों। आज का मेरा विषय है इंटरनेट वरदान या अभिशाप। मैं वरदान के कुछ तर्क आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो एक परिवार में मतलब कोई लड़का काम करने जाता है बाहर, उसका पिताजी अगर मृत्यु हो गई तो लड़का को अगर मतलब पहले के ज़माने में चिट्ठी भेजते थे तो 10-15 दिन का वक्त जरूर लगता था। तो वो जब तब तक वो अपना पिता का मुंह नहीं देख पाता था। तो आज के ज़माने में इंटरनेट हमारे लिए इतना आवश्यकता है कि क्षणों भर सेकेंडों में हम लोग देख सकते हैं, उसको खबर कर सकते हैं। इंटरनेट के नुकसान। इंटरनेट में विद्युत रेडिएशन जिसके कारण कई पक्षी के प्रजातियां विलुप्त हो चुके हैं जैसे गौरैया। मेरा दूसरा पॉइंट, इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यदि आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो समय तथा पैसा दोनों बर्बाद होते हैं क्योंकि इंटरनेट फ्री नहीं होता है। मेरा यह अंतिम तर्क है कि इंटरनेट के द्वारा गैर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की चोरी, बैंक के डाटा चोरी की जा सकती है। हमारे छोटे भाई बहन अत्यधि लोग जैसे कि अभी मोबाइल पर ही जैसे लगे रहते हैं दिन भर, वो लोग कुछ भी मनोरंजन के ही काम देखते हैं। छोटे बच्चे वो लोग तो छोटे बच्चे तो वो लोग सिर्फ मनोरंजन के काम देखते हैं, ना ही पढ़ाई करते हैं, ना ही और कुछ। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेट अभिशाप है। मेरा नाम मनोज मुर्मू है। मैं इंटरनेट के कुछ खूबियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आज के दुनिया में इंटरनेट का उपयोग महत्वपूर्ण बन चुका है। जैसे पहले के ज़माने में किसी को चिट्ठी भेजना हो तो 10 या 12 दिन का समय लगता था, अब वही काम चंद मिनटों में होने लगा है इंटरनेट की वजह से। और जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कोविड-19 के काल में इंटरनेट का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ था, जैसे ऑनलाइन क्लासेस और अनेक प्रकार के काम में उपयोग हुए थे। आज के ज़माने में इंटरनेट अभिशाप है, इसके बारे में कुछ तर्क कहना चाहता हूँ। इंटरनेट के माध्यम से बच्चे आजकल बाहर खेलने नहीं जा सकते, जिनसे उन्हें उनके कमजोरियाँ आ जाती है शरीर। बच्चे लोग गेम खेलते हैं और उसके वजह से अपने बड़ों का आदर करना भूल रहे हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इंटरनेट से पढ़ाई का तैयारी करते हैं, ठीक है बहुत अच्छा है पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तब सुनने को मिलता है कि पेपर लिखोगे। ये बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी है जो बहुत मेहनत करता है, सपना होता है कि हम टॉप करें, लेकिन वो तो पेपर उसको नहीं मिलता है। और जो नहीं पढ़ता है, इसका पिताजी का पैसा होता है, वो इंटरनेट से देख लेता है और जाके एग्जाम में छप देता है।
जो बेचारा मेहनत करता है उसका तो नंबर आता नहीं है, और जो ये पेपर लीक हो जाता है लीक हो जाता है वो टॉप हो जाता है। मेरा पहले भी सही है, मेरा मानना यह है कि इंटरनेट वरदान है। इसमें मेरा पहला तर्क यह है कि जैसे इंटरनेट आज के समय में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि इंटरनेट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ट्रेन का टिकट बुक करना है तो वो हम कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग और बस का टिकट बुक करना है या फिर कहीं जाना है तो हम इंटरनेट से देख सकते हैं लोकेशन कहाँ है, कहाँ जाना है, रास्ता अगर नहीं पता है तो। तो जितने बच्चे इसमें हिस्सा लिए थे उन सारे बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। तो जो पार्टिसिपेट किए थे उनको मैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ, वे मंच पर आएंगे और मैं विद्यालय के प्रचार महोदय से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि उस बच्चा को प्रशस्ति पत्र देकर उसके उत्साह का वर्धन करेंगे और आशा करेंगे कि भविष्य में इसी तरह से वे अन्य प्रतियोगिताएं में भी भाग लेंगे। सबसे पहले मैं गणेश कुमार 12वीं कक्षा के हैं जो पार्टिसिपेट लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिए, अगर वे गणेश कुमार हैं तो मंच पर आ जाइए। ओमनाथ मंडल, राहुल कुमार, सूरज कुमार, गौरव मंडल, गौरव देकर इसके उत्साह का वर्धन कीजिए। और द्वितीय स्थान जो लाए हैं वो अरबाज अंसारी है, अरबाज अंसारी चले, इनके जज्बे को सलाम कीजिए। अब मैं मनोज मुर्मू जी हैं 12वीं कक्षा, और मैं सारे बच्चों से यही कह रहा हूँ कि एक बार जोरदार ताली।